तो टाटा ने अपनी देसी उरुस टाटा कर्व ईवी को लॉन्च कर दिया है, जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 17.49 लाख से और टॉप मॉडल जाता है 21.99 लाख रुपीस, यानी 17.5 से 22 लाख रुपए तक। वैसे लॉन्च तो ईवी और आइस वर्जन दोनों हो चुकी है, लेकिन आइस वर्जन की अभी प्राइसिंग वगैरह आनी बाकी है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन आज हम स्पेशली कर्व ईवी के बारे में जानेंगे, जो कि टाटा की अब तक की सबसे फ्यूचरिस्टिक ईवी है एंड साथ ही इंडिया की फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक कूपे एसयूवी भी है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको कर्व ईवी के बारे में एकदम डिटेल में बताऊंगा, यानी इस गाड़ी की रेंज, चार्जिंग सिस्टम, टेक्नोलॉजी, फीचर्स, सेफ्टी एंड हर एक चीज, ताकि आपको भी इस गाड़ी के बारे में डिटेल में पता चल पाए कि कैसी है ये गाड़ी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इस गाड़ी की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, यानी इस गाड़ी की रेंज और चार्जिंग वगैरह, क्योंकि भाई अगर एक ईवी में ये चीज ही बढ़िया नहीं होगी तो वो काहे की ईवी और काहे की गाड़ी। तो सबसे पहले तो इस गाड़ी का जो चार्जिंग पॉइंट है वो फ्रंट में मिलता है लोगों के पास, जो कि ऐसे ढक्कन से खुलेगा, वो भी इलेक्ट्रिकली, जिसमें आप चार्जिंग वगैरह लगा सकते हो। सो कर्व ईवी में हमको दो बैटरी पैक्स के ऑप्शन मिलते हैं, एक कर्व ईवी 55, जिसमें बेसिकली 55 का मतलब है 55 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, और दूसरा है कर्व ईवी 45, जिसमें सेम 45 का मतलब है 45 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। इनको आप एक तरीके से स्टैंडर्ड वर्जन और लॉन्ग रेंज वर्जन भी कह सकते हो। तो पहले कर्व ईवी 55 की बात करें तो इस स्पेक में हमको 585 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज मिलती है, जो कि सीरियसली बहुत ही बढ़िया है। हालांकि रियल लाइफ में इतनी नहीं चलेगी, एक्सपेक्टेड मान के चलो 450 से 500 किलोमीटर तक, जो कि फिर भी अच्छा है। इस स्पेक के पावर फिगर्स की बात करें तो हमको 167 PS और 215 Nm का टॉर्क मिलता है, जिसके साथ ये गाड़ी 0-100 की स्पीड को 8.6 सेकंड्स में टच कर लेती है। वहीं कर्व ईवी 45 स्पेक की बात करें तो उसमें मिलती है 502 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज, जो कि 83 किलोमीटर कम है लॉन्ग रेंज वर्जन से, बट हाँ रियल लाइफ में 350 से 400 किलोमीटर के लगभग ही चलेगी। इस वाले स्पेक में गाड़ी प्रोड्यूस करेगी 150 PS और 215 Nm का टॉर्क, जिसमें टॉर्क सेम है लेकिन 17 PS की पावर कम है लॉन्ग रेंज वर्जन से, एंड साथ ही 0-100 के लिए ये लेती है 9 सेकंड्स, जो कि लॉन्ग रेंज वर्जन में 8.6 सेकंड्स था। मतलब एक्सेलरेशन में तो ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अब रेंज और पावर की बात कर ही रहे हैं तो इसके चार्जिंग के बारे में भी बात करते हैं, मीन्स चार्ज होने में गाड़ी टाइम कितना लेती है। तो देखो, जो इसका डीसी फास्ट चार्जर है, जो कि बाहर इलेक्ट्रिक स्टेशन वगैरह पर होते हैं, तो उससे तो ये गाड़ी 40 से 45 मिनट लेगी फुल चार्ज होने में, जो कि डेफिनेटली काफी क्विक है। लेकिन भाई मेन तो होम चार्जिंग भी है, अगर ईवी को घर में ला रहे हैं तो घर में भी तो चार्ज करना पड़ेगा हर बार स्टेशन पर थोड़ी। तो घर में इस गाड़ी के लिए 7.2 किलोवाट का AC होम वॉल बॉक्स चार्जर इंस्टॉल होगा, जिससे ये गाड़ी चार्ज होगी, जिसके थ्रू कर्व ईवी 55 यानी लॉन्ग रेंज वर्जन लेगी 7.9 आवर्स यानी ऑलमोस्ट 8 घंटे फुल चार्ज होने में, और कर्व ईवी 45 लेगी 6.5 आवर्स यानी 6.5 घंटे। तो अगर आपको कर्व ईवी घर पर चार्ज करनी है तो आपको 7 से 8 घंटे इस गाड़ी को देने पड़ेंगे फुल चार्ज होने में। आसान भाषा में समझाऊं तो अगर आपको मॉर्निंग में कहीं जाना है तो आपको पूरी रात इस गाड़ी को चार्जिंग पर लगाकर छोड़ना पड़ेगा, और ये मैं घर की बात कर रहा हूँ, बाकी चार्जिंग स्टेशन पर तो ये मैक्सिमम 40 से 45 मिनट ही लेगी फुल चार्ज होने में। ओके, तो अब बात करते हैं इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर के बारे में। वैसे एक्सटीरियर की तो क्या ही बात करें, वो तो आपने देख ही लिया होगा, कूपे एसयूवी है सो स्लोपिंग रूफ मिलती है, बड़े 18 इंचेस के एलॉयज मिलते हैं, LED हेडलाइट्स, DRLs, कनेक्टेड टेल लाइट्स, फ्लश डोर हैंडल्स जो कि काफी बढ़िया लगते हैं, एंड पार्किंग सेंसर्स वगैरह सब है। बट हाँ, कलर ऑप्शन की बात करूँ तो इसमें टोटल 5 कलर ऑप्शन अवेलेबल है, वर्चुअल सनराइज, फ्लेम रेड, वाइट, प्योर ग्रे एंड एम्पावर्ड ऑक्साइड। पर बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में, मीन्स जो प्राइस हम इस गाड़ी के लिए पे कर रहे हैं उसके हिसाब से हमको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो पहले मोटे मोटे फीचर्स पर आए, मतलब वो फीचर्स जो आपको गाड़ी में बैठते ही सबसे पहले नोटिस होंगे। सबसे पहले कर्व ईवी के सेंटर में हमको 12.3 इंच की टच स्क्रीन मिलती है बाय हार्मन, जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एलेक्सा एंड मल्टी वॉइस असिस्ट जैसे फीचर्स मिलेंगे। फिर ड्राइवर साइड 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, जिसमें आपको गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। फिर JBL के नो स्पीकर्स का सेट मिलता है, जिसमें मस्त सिद्ध मूसे वाले के गाने बजाओ। नेक्स्ट ऑटो डिमिंग IRVM में हमको फिजिकल कंट्रोल पैनल मिलता है, बेसिकली जिसमें फिजिकल एंड डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन हो, जो कि इस गाड़ी में है। फिर आती है बड़ी पैनोरामिक सनरूफ विद मून लाइटिंग, नेक्स्ट पावर टेलगेट विद जेस्टर कंट्रोल, रेन सेंसिंग वाइपर्स, फ्रंट बोथ वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 60-40 स्प्लिट रियर सीट्स,
कूल्ड ग्लोव बॉक्स, टाटा का नया स्टेयरिंग व्हील वही इल्यूमिनेटेड लोगो के साथ जिसमें ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन मिलता है, एंड इसका आइडिया टाटा ने लैंड रोवर की कार से लिया है। ऑल्सो फीचर्स के साथ साथ इसके बूट स्पेस की भी बात करें तो कर्व ईवीएम को 500 लीटर का बूट स्पेस मिलता है जो कि भाई क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा सभी से काफी ज्यादा है। एंड ऑल्सो इसके फ्रंट में भी एक बूट मिलती है, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक है तो इंजन के बदले एक और 12 लीटर का कंपार्टमेंट मिलता है जिसमें आप छोटी मोटी चीजें और भी रख सकते हो। अब कुछ टेक्निकल फीचर्स की बात करें, मींस वो फीचर्स जो आपको दिखेंगे नहीं बट बहुत ही कमाल के हैं। तो सबसे पहले है ADAS लेवल 2, जिसके अंदर भी ढेर सारे फीचर्स है जैसे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल विद स्टॉप एंड गो, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, लेन चेंज अलर्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, रियर कोलिजन वार्निंग, एडेप्टिव स्टीयरिंग असिस्ट, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन एंड रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट एक्सेट्रा। अगला टेक्निकल फीचर है V2V चार्जिंग, यानी व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग का, जिसकी मदद से आप एक ईवी से दूसरी ईवी को भी चार्ज कर सकते हो इमरजेंसी सिचुएशन में, एंड कार के साथ साथ बाकी इलेक्ट्रिक गैजेट्स भी। ऑल्सो रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी मिलती है, यानी ब्रेकिंग के टाइम पर ये गाड़ी ऑटोमेटिकली चार्ज होगी, जितनी आप ब्रेक मारोगे उतनी ही ये गाड़ी चार्ज होगी। तो भाई फीचर्स के मामले में तो ये गाड़ी एकदम किलर है, लगता है टाटा ने जो हो सकता था इसमें सब ठूस दिए। अब बात करते हैं गाड़ी की सेफ्टी के बारे में, जो कि अगर ना भी करे तो कोई इशू नहीं, क्योंकि टाटा और सेफ्टी का रिलेशन जैसे तो बिल्ड क्वालिटी वाइज तो सही ही होगी, वैसे ऑफिशियली तो इसके क्रैश टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। बाकी सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो हमको 6 एयरबैग्स, ऑल 4 डिस्क ब्रेक, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ABS/ABD एंड ADAS जैसे सारे फीचर्स मिलते हैं, तो सेफ्टी इसकी बढ़िया ही होगी, बाकी जब इसका क्रैश टेस्ट होगा तब पता चलेगा। ओके, तो ये थी कर्व ईवी, जो कि भाई एक बढ़िया पैकेज है लुक्स, फीचर्स, रेंज, पावर और सेफ्टी का। बट हाँ, अगर आपको कूपे एसयूवी लुक्स पसंद है तो, वरना मार्केट में से प्रॉपर एसयूवी टाइप लुक्स भी अवेलेबल है। सो मैंने आपको कर्व ईवी के बारे में सब कुछ बता दिया, अब आप कमेंट्स में बताना कि आपको टाटा कर्व ईवी कैसी लगी। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय।